92 किलोमीटर पर, और ये सब लिखा था, लेकिन मुझे काटाकटी लास्ट में कहाँ करनी है वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा मिस्टेक हो क्लियर गया हो गया थोड़ा। ना बेटा? हाँ हो गया। चलिए आगे लिखिए। अ ट्रेन, नहीं, अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 120, 120 किलोमीटर पर मिनट, 120 किलोमीटर पर मिनट। फाइंड फाइंड इट्स वेलोसिटी इन फर्स्ट किलोमीटर पर आवर, सेकेंड मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिख लिए, बनाइए। अच्छा बनाइए जल्दी करिए। बन रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। बता दूं, बता दूं क्या? एक मिनट सर, एक कोशिश मिनट सर, कोशिश कीजिए। नो सर, 2 मिनट। बताऊं? नो सर, हम सॉल्व कर रहे हैं सर। किलोमीटर पर आवर में 1440। देखता हूं बेटा, देखता हूं। सर बोलिए। सर क्या किलोमीटर पर आवर में 20,000 किलोमीटर पर आवर, देखता हूँ। किलोमीटर पर आवर में 2,000 सर, और मेरा 16। देखता हूँ, देखें वेलोसिटी कितना दिया है, 120 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब बताइए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हेलो, आए
पांच बच्चे, छह बच्चे, छह बच्चे का होगा, छह सात बच्चे का। देख लीजिए, नहीं एक ही साथ रन दीजिए। नाम है ना उसमें दिया हुआ है, निकम, और एक दिया हुआ उसमें नाम दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं क्लास के बाद आपको भेजता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया क्या? देखिए बेटा, 120 किलोमीटर पर मिनट आपको बताए थे, 120 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं इसको? कैसे लिख yes, सकते sir. हैं 120, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60, कोई डाउट? नहीं सर, या कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2000 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड, किसका आया है, किसका आया तो है? मेरा सही आया है सर, मेरा सही आया है पर मिनट, पर मिनट, गुड। 2000 मीटर पर सेकंड हो गया? यस सर, हां सर, राइट है सर, बढ़े आगे। हां सर, चलिए 2 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट रे। प्रणव, प्रणव, बेटा एनटीएससी का फॉर्म आ गया, भर देना, भर देना। चलो रफ करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हाँ सर, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने आवर्स हो जाएंगे? 1/60। हाँ गुड, बहुत अच्छी बात, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 into 1, या मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा। 1 मिनट में 1/60 आवर्स होंगे, लिख लीजिए। रब करूं? हाँ सर, यस हो गया। अब बताइए हमें क्या दिया हुआ है? 120 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट, यही है? हाँ सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 मिनट को क्या लिखेंगे? 1/60, तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या? हाँ सर, या ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बेटा? 7200 उम्मीद कर रहा हूं अब क्लियर हो गया होगा कन्वर्जन, या अभी भी डाउट है सर? मुझे क्या बेटा, दीपश्री बोलो, क्या दिक्कत है सर? सर पूछूं क्या? बोलो ना। हाँ सर, पहले पहला वाला जो पूछा उसमें हमने 1000/360 होगा था, उसे हमने डबल जीरो कट किया था, उसी टाइप से मैंने यहाँ पर डबल जीरो सिंगल जीरो कट किया, तो मेरा आंसर
क्यों सिंगल जीरो, दोनों जीरो है ना अप डाउन, दो जीरो है ना, देखो मेरा भी गलत हुआ था, 6000 आया था मेरा, 120 इन एक मिनट, 1 किलोमीटर अपन 1 मिनट, यही था पहले केस में। हाँ सर, एक 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 60 सेकंड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। अब यहाँ पे नीचे कितना जीरो है, एक जीरो सर, मैंने 1000 का 1 जीरो 60 का 1 जीरो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करो ना कोई दिक्कत नहीं, उसी को करो, कैंसिल कर दो। अब यह 6 को यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 100 कितना आ गया, 2000। बात खत्म, क्या दिक्कत थी सर? सर मैंने क्या किया था, 120 को मैंने 6 को 120 से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, नहीं था इसलिए मेरा आंसर गलत आ गया। चलिए रफ करूं सब, सर 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 बोलिए सर, वो नीचे वाले मैंने क्या किया, वो 60 और 120 का डिविजन कर दिया सर, 60 नहीं सर, वो बाजू में सर, हाँ हाँ उधर, हाँ सर, ये डिविजन होगा ही नहीं, डिवीजन तब होता है जब यहाँ पे होता है 60। कोई डाउट और एक एग्जांपल दो ना सर, चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, अ कार is moving, a car is moving with the velocity of 60 किलोमीटर पर किलोमीटर, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, चलिए को किलोमीटर पर मिनट, Find its velocity in meter per second and kilometer per hour. सर मीटर पर सेकंड में 1000 आता है, करिए कोशिश करिए, मैं देखता हूँ। किलोमीटर पर आर में 3600 किलोमीटर पर आर। हो गया सर, किलोमीटर पर आवर में 1000 नहीं सर, बनाइए बनाइए 3600 3600 सभी बच्चे का आया, यस सर, रणवी बोल नहीं रही है तू आजकल, यस सर आया सर आंसर, चलिए सबसे बना
बताने की जरूरत है क्या? नो सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको लग रहा है कि बताने की जरूरत है? नो सर। बता दो सर, बता दे, बता दे दीप सिर दीप। बराबर आया है सर, फिर भी बता दो। 3600 आया है। और कोई बच्चा? यस। नो सर, नो सर आया। कृष्णम सर, किलोमीटर पर आवर का बता दीजिए सर। बता दें, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। 3600 आ पाए ना सर? 3600, 3600। देखतो। क्या दिया है वेलोसिटी? 60 किलोमीटर पर मिनट। 60 × 1 किलोमीटर अपॉन मिनट। हाँ, 60 × 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट। अपॉन 1 मिनट। 60 × 1000 मीटर अपॉन 60 सेकंड। गुड। 60 60 कैंसिल, बचा कितना? 60 कैंसिल, 1000 मीटर मीटर पर सेकंड। एक आंसर आ गया। हाँ सर। हाँ सर, रब करूं? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट। 60 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट लिख सकता हूँ? यस सर। 1 मिनट को क्या लिखेंगे? 1/60। 1/60 आवर्स। क्या आ गया? 60 × 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर सर, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पर आवर है। आवर, यस आवर है सर। नीचे भी सर, नीचे भी। प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो, समझ में आया? यस सर। सर, मैंने किलोमीटर को भी 1000 कर लिया था सर, इसलिए बोला। उम्मीद कर रहा हूँ अब कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है अब। ये खत्म हो गए? हाँ, ये टॉपिक खत्म हो गया। सर क्वेश्चन डाल दो। आपके बुक्स में है, आपके बुक्स में पहला टॉपिक वही है। वैसे आज पीडीएफ डाल दिया जाएगा इसमें ग्रुप में, टेंशन मत लो। सर आप पहले वाले लेक्चर के एग्जांपल डालने वाले थे ना बेटा? रे देखो, प्रणवी हमसे बहुत दिन से बुक्स मांग रही है, मैं याद भूल जाता हूँ। वैसे आज वैसे ग्रुप में पढ़ेगा क्वेश्चन बुक्स का पीडीएफ, लेकिन मैं देखो 50 को काम। क्या बेटा? एग्जाम, एग्जाम 17 को है ना शायद? सर 26 को थी, बाद में ये के क्या ट्रांसफर किया? हाँ, ट्रांसफर किया ना। एक्चुअल में मेरा तबीयत खराब हो गया था। हाँ सर, तो फिर ट्रांसफर किया। शायद 17 को है या 24 को के संडे को है, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाँ सर। नेक्स्ट न्यू चैप्टर है, लिखिएगा। वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट चैप्टर है वन डायमेंशनल मोशन या काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के आई वन डायमेंशनल मोशन।
और काइनेमेटिक्स इन 1D. 1D मतलब वन डायमेंशन. अब यार नेक्स्ट कल के क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? ओके सर. या कल के क्लास में स्टार्ट करूंगा. होगा नहीं का सर अभी? नहीं अब बस बहुत हो गया. अब एक क्लास और है मेरा 8 बजे से, लगातार क्लास है मेरा सर. तो फिर एंड कर दे. हाँ सर, बाय सर. बाय सर. थोड़ा मन से पढ़ो ने, मार्क बहुत मार्क आओगे तुम लोग. हाँ सर. ठीक है, थोड़ा मन लगाओ पढ़ने में. बायडा मतलब क्या? बायडा मतलब